99% लोग मेरी रील को iOS या फिर एंड्रॉयड फोन में देख रहे होंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट में एंड्रॉयड लिखना, और iOS यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल लिखना। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरी आईडी को फॉलो कर लीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे रील बनाने के लिए। तो हमारा हर काम इंटरनेट के जरिए ही होता है, चाहे बिजली का बिल देना हो, चाहे सिलेंडर बुक कराना हो, चाहे होटल को बुक करना हो। सबसे महत्वपूर्ण है पैसे का लेन देन, वो भी इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है आजकल। इसलिए हमारी ये डिवाइसेस, कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो, ये हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहती है। डिवाइसेस के इंटरनेट पे कनेक्ट होने की वजह से साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। ना हैकिंग फ्रॉड की खबरें आप भी सुनते होंगे। डाटा को सिक्योर रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। 10% लोग साइबर सिक्योरिटी को जानते हैं पर उसके पूरी जानकारी नहीं है। तो ये वीडियो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही है। साइबर जितने भी हमारे इंटरनेट से जुड़ी डिवाइसेस हैं, जितने भी उपकरण हैं जो इंटरनेट पे यूज होते हैं, उसको साइबर साइबर के अंतर्गत आते हैं। सिक्योरिटी का मीनिंग है सिक्योर रखना, इनका जो डाटा ट्रांसफर है आपस में उनको सिक्योर करना, ताकि किसी डाटा की चोरी, कोई फ्रॉड स्कैम आपके साथ ना हो सके। तो बहुत बार बोला गया होगा कि एंटीवायरस डलवा लो, एंटी मालवेयर प्रोग्राम डलवा लो, आपका डिवाइस सेफ रहेगा। जो डिवाइस को सेफ नहीं रख पाते हो, तो इसलिए ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं एंटीवायरस एंटी मालवेयर। यूजर कोई गलती से कोई ऐसी चीज ना करते जिससे कि उसका प्राइवेसी लीक हो जाए, उसके फोटोज, उसके वीडियोस कहीं दूसरे सर्वर पे चले जाएं। भी आप डिवाइस को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें पिन लगा के रखिए, पासवर्ड लगा के रखिए, फेस आईडी लगा के रखिए, हमेशा ये यूज करना है। आदमी कोई भी आपका डिवाइस खोलने का ट्राई करे तो वो ना खोल पाए। स्कैम फ्रॉड होते हैं वो हमारी गलतियों की वजह से भी होते हैं, इसलिए हमें सजग रहना चाहिए, समझदार बनना चाहिए।